मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा देश भर के 30 पर्यटन स्थलों को स्वच्छ आइकॉन बनाने की सूची में ब्रह्म सरोवर को भी शामिल किया गया है। ब्रह्म सरोवर को स्वच्छ आइकॉन बनाने की योजना को सफल बनाने के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया गया है, जिसमें प्रशासन कंपनी के साथ मिलकर ब्रह्म सरोवर को स्वच्छ बनाने का काम करेगा। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ब्रह्म सरोवर को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया। इस योजना को एक मिशन और विजन के तहत पूरा किया जाएगा और जैसे ही प्रस्ताव इंडियन ऑयल के पास पहुंचेगा तो इंडियन ऑयल संस्था तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर देगी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, इसके द्वारा देश भर के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनको स्वच्छता के अंदर परिपूर्ण बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसके अंदर इन स्थानों का चयन किया गया और ऐसे अब तक 30 स्थान पूरे देश के अंदर चुने गए, जिसमें माता वैष्णो देवी, जिसके अंदर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी, इस तरह के बड़े विश्व स्तरीय स्थान जो हैं उन्हें चुना गया है। और इसके अंदर बड़ा गौरव का विषय है कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसको भी स्थान मिला है। और इसके अंदर स्वच्छता सुंदरता की दृष्टि से जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी करना संभव है और जो कुछ भी करना जरूरी है, वो सब हम लोग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम सब वो लोग करेंगे।